हेलो गाइस, आज मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। इसको देखिए, मैंने रात में भिगो दिया था। लगभग ये 1.5 कटोरी था। 2 आलू डाले हैं। अब इसको हम चल रहे भिगो उबालने। अब इसमें लगभग हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। ये देखिए, बस 1 चुटकी खाने का सोडा। अब हमने ग्रेवी बनाने के लिए ये इतना मसाला लिया है। अभी हम और मसाला लेंगे, लेकिन हम आपको ऐसा बनाई है तो भी आप अच्छे से और कैसे टेस्टी राजमा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। मिर्चा आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 1 प्याज लिया है, 4-5 जो है लहसुन की कलियां ली है, 1 इलायची और 2-3 मिर्चें। मिर्चें तो आप अपने अनुसार डाल सकती हैं कि आपको कितना तीखा। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 1 प्याज लिया है, 4-5 लहसुन की कलियां ली है, 2-3 मिर्चा। मिर्चा आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और 1 बड़ी इलायची। अब हम डाल रहे हैं मसाला। ये देखिए, 1.5 चम्मच मसाला बहुत है। अब मैंने 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इतना सा गरम मसाला बस। ये देखिए, हम ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इतना ही बहुत है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी ले सकते हैं। ये अब हमारी ग्रेवी तैयार। ये देखिए, अब हम आयल डाल रहे हैं। हमने रिफाइंड आयल डाला है। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकती हैं। जब तेल गरम हो जाए तब आप इसमें जीरा डालिए तड़के के लिए, और ये मैंने डाल दिए थोड़े से तेज पत्ता। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला। अब हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं कि हमारा मसाला पक जाए। ये देखिए, जब तेल ऊपर आने लगे तब आप समझिए कि आपका मसाला पक गया है। और थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी करने के लिए, ये देखिए, मैंने कुछ टमाटर काटे हैं और अब उसको भी डाल रहे हैं। और ये इसी में एक सार हो जाए, इसके लिए हम इसमें भी थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप एक बॉयल आने के बाद भी डाल सकती हैं, लेकिन तुरंत डालने पर टेस्ट और अच्छा आता है। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं कि आपको कितना पसंद है। ये देखिए, थोड़ी देर हम इसको चलाते रहेंगे जिससे टमाटर इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो गए। ये देखिए, ये राजमे का पानी है। ये बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए हम इसको फेंकते नहीं, इसमें डालते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस पानी को हटा भी सकते हैं। ये देखिए, इतना मैंने डाल दिया। इसके बाद इतना राजमा मैंने बचा लिया है, इसको हल्का सा मैसर से मैश कर देते हैं, जिससे कि मेरी सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाए। देखिए दोस्तों, हमारा राजमा थोड़ा सा मैंने इसको पीस दिया है, ये गाढ़ा हो गया है। अब इसको बीच में डाल देते हैं।
देखिए मैंने राजमे का पानी इसमें डाला तो मुझे अलग से पानी लेना नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप राजमे का पानी नहीं लेते हैं तो आप अलग से एक गिलास पानी डाल दीजिएगा। अब इसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए थोड़ी देर। दोस्तों ये देखिए हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और ये देखिए मैंने थोड़ी सी धनिया काट के रखी हुई है और अब इसको इसी में डाल दे रहे हैं। हम आपको कम चीजों में कैसे आप अच्छे अच्छे सामान बना सकती हैं हम अपने चैनल पे आपको ये सब दिखाएंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे राजमा बनके तैयार हो गए हैं।